दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त मैं अंबेडकर भवन में मौजूद हूं और बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती यहां पर मनाई जा रही है। मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। तंवर साहब, बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि जो बाबा साहब हमें राह दिखा करके गए, उस पर हम साल में सिर्फ एक बार ना चले, 365 दिन चले, हर रोज चले। उन विचारों को, उस सोच को, उस भारत को महान बनाने का जो उनका संकल्प था और जो उन्होंने उसके लिए एक हमें संविधान दिया, उसके अनुरूप काम करें। ये बहुत अच्छा हमारे नौजवान साथियों ने प्रयास किया है, दलित एकता दिवस के रूप में इसको मनाया है और सभी दलित वर्ग में जितनी भी हमारे जातियाँ आती हैं, सबका एक ही संकल्प है कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं। आज एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब के सपनों के भारत को ख़त्म करना चाहते हैं जी, और दूसरी तरफ ये लोग वो हैं जो बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाना चाहते हैं जी। अब देखना ये है कि इनकी शक्ति काम ज़्यादा आएगी या उन दुश्मनों की आएगी जिनको आज गाँव में लोग नहीं घुसने दे रहे। जिनको बाबा साहब की जयंती मनाते तो वो झूठी थे, लेकिन लोगों ने वो भी उनको बहिष्कार सार्वजनिक तौर पर कर दिया। कारण साफ है कि आज देश में किसान, मजदूर, गरीब और दलित के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, उनके खिलाफ मजबूती से संघर्ष ये सारे साथी करें और इसमें अपना भारत मोर्चा और हम सब इनके साथ। संवैधानिक संस्थाएं तंवर साहब आज खतरे में है, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह से आरएसएस की पॉलिसी लागू की जा रही है? मैंने वही कहा, सारी बातें उसमें आ गई जो बाबा साहब के सपनों का देश बनाने वाले और बाबा साहब के सपनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जो लोग हैं जी। तो दोनों के बीच में ये वो है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है और मिलकर के हम इसको बचाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है ताकि संविधान को बचाया जा सके। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।